नमस्कार, मैं दिव्या धराधर। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ काशी विश्वनाथन ने धोनी के अगले आईपीएल यानी 2024 में खेलने को लेकर बड़ा बयान दिया है। चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ काशी विश्वनाथन ने कहा है कि धोनी को अच्छे से पता है कि आगे उन्हें क्या करना है। अगर उन्हें आईपीएल से संन्यास से जुड़ा कोई फैसला लेना होगा तो वो सीधे श्रीनिवासन से जाकर बात कर लेंगे। उनका चेन्नई सुपर किंग्स के साथ सफर 2008 से शुरू हुआ था और आगे भी चलता रहने वाला है। बीती 18 जून से समुद्र में गुमशुदा यात्री पनडुब्बी टाइटन में सवार सभी लोगों की मौत हो गई है। टाइटैनिक का मलबा दिखाने वाले सबमरीन के साथ लापता हुए सभी यात्रियों को मृत घोषित कर दिया गया है। अधिकारियों ने मलबा मिलने के बाद विस्फोट की आशंका जताई है। चिप बनाने वाली अमेरिकी कंपनी माइक्रॉन टेक्नोलॉजी ने गुजरात में नया सेमीकंडक्टर चिप प्लांट लगाने का ऐलान किया है, जिस पर $2.75 बिलियन का निवेश किया जाएगा। माइक्रॉन का भारत में ये पहला निवेश। इस प्लांट को लगाने के लिए माइक्रॉन टेक्नोलॉजी $825 मिलियन निवेश करेगी। देश में खराब क्वालिटी के बिजली के उपकरण मौजूद हैं। उपकरण से कई बार लोगों की जान का जोखिम बना रहता है। ऐसे में सरकार उपकरणों की गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए कई तरह के नियम व कानून बनाती है। सरकार घरेलू और वाणिज्यिक अनुप्रयोगों के लिए इस्तेमाल करने वाले उपकरण के लिए नए नियम बना सकती है। सरकार ये नियम घटिया वस्तुओं के आयात को रोकने के लिए उठा रही है। इसी के साथ घरेलू उद्योग को बढ़ावा देना भी सरकार का उद्देश्य है। इसके लिए उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने भारतीय मानक ब्यूरो को परामर्श दिया है। इसके लिए एक मसौदा नियंत्रण आदेश भी जारी किया गया है। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जारी कर दी गई है, जिसमें एशिया के विभिन्न देशों के विश्वविद्यालयों को रैंकिंग दी गई है। रैंकिंग में सबसे ज्यादा जापान के 117 विश्वविद्यालयों ने जगह बनाई। इसके बाद 95 विश्वविद्यालयों के साथ चीन दूसरे स्थान पर है। वहीं तीसरे स्थान पर भारत के 75 विश्वविद्यालय इसमें जगह बनाने में कामयाब रहे। पिछले साल यह आंकड़ा 71 था। आज अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। ओलंपिक गेम्स को खेलों का महाकुंभ कहा जाता है। इसका आयोजन 4 साल में एक बार होता है। इसमें 200 से अधिक देशों के हजारों एथलीट खेलों में हिस्सा लेते हैं। अगला ओलंपिक 2024 में पेरिस में होने वाला है। इसकी तैयारी पूरी दुनिया में शुरू हो चुकी है। खिलाड़ी ओलंपिक में क्वालिफाई के लिए भी दमखम लगा रहे हैं। इस दौर में झारखंड के लिए कुछ खिलाड़ी शामिल हैं। यहाँ से तीरंदाजी, एथलेटिक्स और हॉकी में ओलंपिक में शामिल होने की संभावना है। ये पहली बार हुआ है कि किसी सेंट्रल वेलफेयर स्कीम के लिए गवर्नमेंट ने पीएम किसान ऐप में फेस ऑथेंटिफिकेशन फीचर शुरू किया है। नया फीचर किसानों को वन टाइम पासवर्ड या फिंगरप्रिंट के बजाय मोबाइल फोन पर अपना फेस स्कैन करके EKYC प्रोसेस को पूरा करने देगा। एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने एक इवेंट में इस ऐप के फीचर को लॉन्च किया है। ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पुनिया सहित भारत के शीर्ष पहलवान ने अब खेल मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है कि वे आगामी एशियाई खेलों के लिए ट्रायल की तैयारी के लिए अमेरिका में प्रशिक्षण लेना चाहते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ के संयुक्त सचिव कल्याण चौबे ने कहा है कि एशियाई खेलों 2023 से ट्रायल से पहले अब पहलवानों ने अमेरिका में प्रशिक्षण की मांग की है, जो विचाराधीन है। आयोग और मंत्रालय बाद में इस विषय पर निर्णय लेंगे। प्रमुख उर्वरक सहकारी संस्था इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी IFFCO ने कहा है कि उसने अमेरिका को तरल नैनो यूरिया के निर्यात के लिए कैलिफोर्निया स्थित कपूर इंटरप्राइजेज इंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान 21 जून को इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि अगर उनकी बात भारतीय प्रधानमंत्री से होती तो वे मुस्लिम अल्पसंख्यकों की हिफाजत का जिक्र करते। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने CNN के इंटरव्यू का एक हिस्सा सोशल मीडिया पर डालते हुए कहा कि ये मोदी जी के दोस्त बराक ओबामा के संदेश है। श्रीनेत ने लिखा है कि मोदी के समर्थक इसे भी एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश बता सकते हैं। उधर अमेरिकी टेलीविजन नेटवर्क CNN को दिए गए एक इंटरव्यू में बराक ओबामा ने दुनिया में कमजोर होते लोकतांत्रिक संस्थानों का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि अमेरिका का निर्माण इस विचार के साथ हुआ था कि यहाँ रहने वाले सभी नागरिकों को समानता का अधिकार मिलेगा, और आपने यह कर दिखाया है। पीएम ने कहा, US में रहने वाले लाखों लोग ऐसे हैं जिनकी जड़ें भारत से जुड़ी हुई, और उनमें से कुछ लोग गर्व से संसद में प्रतिनिधि बनकर बैठे हुए हैं। पीएम मोदी ने कमला हैरिस की तरफ इशारा करते हुए उनमें से एक मेरे पीछे ही बैठी हुई है। उनका इतना कहने के बाद वहाँ पर सभी सांसद खुशी से हंस दिए। पीएम ने कहा, मुझे बताया गया कि यहाँ पर समोसा कॉकस अब इस संसद का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि इसलिए मैं कह सकता हूं कि सदन में विविधता के रंगों के साथ साथ भारतीयता की भी कोई कमी नहीं है। भाजपा के प्रदेश कार्यालय के बाहर शुक्रवार को लगाए गए एक पोस्टर की खूब चर्चा हो रही है। इस पोस्टर में कांग्रेस के नेता राहुल को देवदास बताया गया है और फिल्म देवदास के डायलॉग भी लिखे गए हैं। हालांकि यह पोस्टर किसने लगाया है इसका उल्लेख पोस्टर में नहीं है। पोस्टर में सबसे ऊपर फिल्म अभिनेता शाहरुख खान की तस्वीर लगाई गई है, जबकि नीचे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की तस्वीर है।
मुजफ्फरपुर बेला औद्योगिक क्षेत्र में विकसित हो रहे टेक्सटाइल क्लस्टर और बिहार के अन्य जिलों में रेडीमेड कपड़ों की खुल रही यूनिट के उत्पाद विदेशों तक भेजने की पहल हो रही है। इसको लेकर बेला में गुरुवार को बायर्स मीट का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली, मुंबई, सूरत, लुधियाना सहित अन्य जगहों के उद्यमी पहुंचे। भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक ग्राहकों के ऑनलाइन डिजिटल लॉकर की सुविधा लेकर आया है। यह सुविधा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लेकर आया है। इसमें आप ऑनलाइन माध्यम से अपना लॉकर ओपन करवा सकते हैं। यहाँ आप अपने जरूरी दस्तावेजों को आसानी से स्टोर कर सकते हैं। ये लॉकर काफी सुरक्षित है। यूट्यूब हो या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, हर जगह पॉपुलर अभिनेताओं, गायकों और मशहूर हस्तियों के अनगिनत फैन अकाउंट्स देखने को मिल ही जाते हैं। इन फैन अकाउंट्स के जरिए लोग अपनी पसंदीदा हस्तियों से जुड़े कंटेंट से जुड़ते हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ओरिजिनल फैन अकाउंट और फर्जी अकाउंट्स के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है। इसी को देखते हुए अब यूट्यूब ने नई पॉलिसी को अपडेट किया है, जो विशेष रूप से फर्जी अकाउंट्स को टारगेट करेगी। एक बात जो गौर करने वाली है वह यह कि यूट्यूब की फैन अकाउंट से जुड़ी नई पॉलिसी 21 अगस्त 2023 से लागू होगी। बंगाल पंचायत चुनाव के दौरान दस्तावेज से छेड़छाड़ मामले में सीबीआई फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगी। कलकत्ता हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई में बेंच पर रोक लगा दी है। जस्टिस अरिजीत बनर्जी और जस्टिस अपूर्वा सिंह रॉय की खंडपीठ अगले सोमवार 2 बजे इस मामले का फैसला सुनाएंगी। स्पेशल ओलंपिक विश्व खेल 2023 में भारतीय दल ने 50 पदक का आंकड़ा पार कर लिया। आयोजन के चौथे दिन बुधवार को भारत के पास एथलेटिक्स, साइकिलिंग, पावर लिफ्टिंग, रोलर स्केटिंग और तैराकी में 15 स्वर्ण, 27 रजत और 13 कांस्य सहित कुल 55 पदक थे। पदकों की बरसात तैराकी और साइकिलिंग से शुरू हुई। भारत ने तैराकी में जहां 5 पदक जीते, वहीं साइकिलिंग में 6 पदक हासिल किए। गूगल अपने वर्क स्पेस लैब के सभी एप्स में धीरे धीरे एआई को जोड़ रहा है। कुछ समय पहले कंपनी ने बीटा टेस्टर्स के लिए जीमेल में हेल्प मी राइट टूल को जोड़ा था। अब कंपनी वर्कर्स लैब के एक और ऐप में एआई सपोर्ट दे रही है। गूगल ने गूगल सीट में हेल्प मी ऑर्गेनाइज नाम से एआई टूल देना शुरू कर दिया। इसकी मदद से यूजर्स कुछ ही सेकेंड में अपनी मनचाही सीट या प्लान बना सकते हैं। अच्छी बात यह कि आप सीट को मॉडिफाई और चेंज भी कर सकते हैं। बैठक से पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी कार्यालय सदाकत आश्रम पहुंचे। वहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने बहुत सी बातें कही, लेकिन उन्होंने सबसे बड़ी बात बिहार को लेकर कही। उन्होंने कहा कि बिहार कांग्रेस का डीएनए है। एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेगा का नारा देने वाले राष्ट्रीय एकता व अखंडता के पर्याय भारतीय जनसंघ के संस्थापक महान शिक्षाविद एवं प्रखर राष्ट्रवादी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को कलकत्ता के अत्यंत प्रतिष्ठित परिवार में शिक्षाविद सर आशुतोष मुखर्जी के घर माता जोगमाया की कोख से हुआ। आज ही के दिन यानी कि 23 जून को भारतीय जनसंघ के संस्थापक तथा राजनीति व शिक्षा के क्षेत्र में सुविख्यात डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत हो गई थी। नौकरी के बदले घूस कमीशन की खबरें कोई नई नहीं है। अक्सर नौकरी से जुड़े घोटाले सामने आते रहते हैं, लेकिन अब एक ऐसा मामला सामने आया है जो संभवतः इस तरह का पहला नौकरी घोटाला है। इस मामले के तार जुड़े हैं देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस से, जिसमें नौकरी दिलाने के बदले करोड़ों के कमीशन लिए गए हैं। लाइव इंट की खबर के अनुसार सबसे बड़ी आईटी कंपनी में नौकरी दिलाने के बदले कुछ बड़े अधिकारियों ने कंसल्टेंसी स्टाफिंग कंपनियों से बड़े स्तर पर कमीशन लिए। ओलंपिक पदक विजेता पहलवान योगेश्वर दत्त ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना देने वाले 6 पहलवानों को एशियन गेम्स के ट्रायल में दी गई छूट पर सवाल खड़े किए हैं, जिस पर महिला पहलवान विनेश फोगाट भड़क गई। उन्होंने कहा कि योगेश्वर दत्त का वीडियो सुना तो उनकी यह घटिया हंसी दिमाग में अटक गई। वह महिला पहलवानों के लिए बनी दोनों कमेटियों का हिस्सा थे। विनेश ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि जब कमेटी के सामने महिला पहलवान अपनी आपबीती बता रही थी तो वह बहुत घटिया तरह से हंसने लगे थे। जब दो महिला पहलवान पानी पीने के लिए बाहर आई तो बाहर आकर उनको कहने लगे कि बृजभूषण का कुछ नहीं होगा, जाकर अपनी प्रैक्टिस करो। बिजली मंत्रालय ने कहा कि नए नियमों से दिन के दौरान बिजली दरों में 20% तक की कटौती और रात के व्यस्त घंटों के दौरान 20% तक की बढ़ोतरी की अनुमति मिलेगी। मंत्रालय ने कहा कि इसका उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाना है। ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा कि चूंकि सौर ऊर्जा सस्ती है, इसलिए सौर ऊर्जा घंटों के दौरान टैरिफ कम होगा, जिससे उपभोक्ताओं को लाभ होगा। यूपीआई हाल के वर्षों में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले डिजिटल पेमेंट मोड के रूप में उभरा है। डिजिटल पेमेंट के लिए यूपीआई जैसी सुविधा आपको घर बैठे आसानी से ट्रांसफर करने की सुविधा देती है। यूपीआई सिस्टम में पहले सिर्फ बैंक अकाउंट के जरिए पेमेंट कर सकते थे, लेकिन अब यूजर्स क्रेडिट कार्ड के जरिए भी भुगतान कर सकते हैं। वर्तमान में सिर्फ रुपए क्रेडिट कार्ड को यूपीआई ऐप के साथ लिंक किया जा सकता है, लेकिन ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि क्रेडिट कार्ड से यूपीआई पेमेंट्स भी करें और कैशबैक भी मिले, तो आपके लिए टाटा न्यू प्लस एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड एक बेहतरीन कार्ड साबित हो सकता है। एलन मस्क भारत में अपनी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस स्टारलिंक को शुरू करना चाहते हैं। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं होगा जब एलन मस्क स्टारलिंक को भारत में लाने की कोशिश करेंगे।
इससे पहले भी ये कोशिश हो चुकी है। मस्क ने सर्विस के लिए बुकिंग भी शुरू कर दी थी, लेकिन सरकार से मंजूरी नहीं मिलने से उन्हें बुकिंग बंद करनी पड़ी थी। भारतीय ओलंपिक संघ के तदर्थ पैनल ने 6 आंदोलनकारी पहलवानों के लिए आगामी एशियाई खेलों और विश्व चैंपियनशिप की चयन प्रक्रिया को सिर्फ एक मुकाबले की प्रतियोगिता कर दिया है। इन पहलवानों को इन दोनों प्रतियोगिताओं की जगह सिर्फ भारतीय टीम में जगह बनाने के लिए सिर्फ ट्रायल के विजेताओं को हराने की जरूरत होगी। 6 पहलवानों विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, संगीता फोगाट, सत्यव्रत कादियान और जितेंद्र किन्हा को न सिर्फ शुरुआती ट्रायल में हिस्सा लेने से छूट मिली है, बल्कि उन्हें वादा किया गया है कि वे 5 से 15 अगस्त के बीच ट्रायल के विजेताओं से भिड़ेंगे। केदारनाथ धाम, विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम यात्रा में इस वर्ष रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु बाबा के दर्शन को पहुंच रहे हैं। हेली सेवा से भी बड़ी संख्या में बाबा के दर्शनों को यात्री पहुंचे। कुल 59,645 यात्रियों ने हेली सेवा से बाबा के दर्शन किए। केदारनाथ के लिए बरसात शुरू होने से पूर्व 4 हेली कंपनियों ने अपनी सेवाएं बंद कर दिए हैं। बरसात में हेली सेवाएं पूरी तरह बंद हो जाती हैं। हालांकि गत वर्ष हिमालय हेली ने पूरे बरसात सीजन में भी अपनी सेवाएं जारी रखी थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण से जुड़े केंद्र सरकार के अध्यादेश को लेकर फैसला संसद के आगामी मॉनसून सत्र के शुरू होने से पहले की जाएंगी। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शायद यह पता होगा कि अध्यादेश का विरोध या समर्थन संसद के बाहर नहीं संसद के भीतर किया जाता है। भारत के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा ने आज ओलंपिक दिवस के मौके पर टोक्यो ओलंपिक में जीते ऐतिहासिक स्वर्ण पदक को याद किया। चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा था। बता दें कि ओलंपिक स्पर्धा में उनका सर्वश्रेष्ठ थ्रो 87.58 मीटर था। मौजूदा समय में देश के अंदर कुल 7,013 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर चालू स्थिति में है, लेकिन कई दिक्कतों के चलते ईवी मालिक इन तक नहीं पहुंच पाते हैं। इन चुनौती को देखते हुए सरकारी एजेंसी नीति आयोग एक मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप कर रही है, जो सभी ईवी चार्जिंग और स्वैपिंग स्टेशनों को एक ही ऐप पर एकत्रित करेगी और यूजर्स को सुव्यवस्थित अनुभव के लिए निकटतम उपलब्ध स्थान की पहचान करने में मदद करेगी। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है बाबूलाल मरांडी, नुन्नू गोलू कुमार, मोहम्मद साकिर हुसैन, रविशंकर, अनवर करीम खान, सनी रोहित कुमार, पंडित अजय, जितेंद्र ठाकुर, नौशाद अंसारी। बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपका भरोसेमंद बैंक कौन सा है? अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।